गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम। हाय गाइस, मैं हूँ रूहान इब्राहिम। एंड रूहान की अम्मी की दुनिया में यानी दीपिका की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो रूहान। फाइनली आप सब ने मेरे प्यारे से रूहान को देख लिया है और उसे ढेर सारी दुआएं दी हैं, उसे ढेर सारा प्यार दिया है, उसे ढेर सारी बेस्ट विशेस दी हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यस, आज हम हो गए हैं रेडी और आज घर पे है कुरान खानी, तो रूहान भी रेडी है। मैं भी रेडी हूँ, लेकिन अभी मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी फातिया के लिए हलवा। तब तक रूहान क्या करेगा? रूहान बेटी गंदानी किशोर। और ये हो गया है लिविंग रूम पूरा रेडी। ये रहे निकू साहब। अरे चल दिए, हाय कर दो। हाय बेटा। धर्म दादा। कल विसर्जन सही से हो गया? एकदम फर्स्ट क्लास। आज आपकी आवाज में पता चल रहा है कि कल विसर्जन में कितना मजा किया। चलो अच्छा है। दूध की चाशनी बनने के लिए इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर और यहाँ मैं भून रही हूँ सूजी। सो घर पे ना सबको केले वाला हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली सबा को। तो सबा आई भी हुई है तो मैंने सोचा चलिए उसकी पसंद का ही बना देते हैं। हो गया हलवा रेडी फातिया के लिए, बस गार्निशिंग कर रही हूँ थोड़ी बादाम से और अभी सबको आने में थोड़ा वक्त था तो ये बाप बेटी क्यूट मस्ती करते हुए। क्या हो गया? हाँ रूहान जो है बाहर रोने लगा था इसीलिए अंदर यहाँ पे मम्मी के साथ सो रहा है। चलो तो सबसे बड़ा सवाल है कि रूहान किसकी तरह दिखता है? ये सब बोल रहे हैं। और मुझे वो जो एक फोटो मैंने भेजी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, उसमें मुझे ये वाकई में सबा की तरह लग रहा है। मैंने शोएब को भी बोला, मैंने शोएब जो पिक्चर हमने पोस्ट की है उसमें ये पूरा वैसा लग रहा है। एक नजर में सब यही मैसेज कर रहे हैं मुझे कि अरे तो बहुत अच्छा है। और मैं सबसे ये कह रही हूँ कि वो चीफ मेरे घोटे और वो भी बोलू है माशाल्लाह, इसलिए लग रहा है कि मुझे ज्यादातर आधा भाई की तरह और आधा आपकी तरह। जैसे हमने शुरू में कहा था इतना पोर्शन आपके जैसा है, ये सब है और कुछ जैसे आईब्रो ये सब भाई के जैसे है। और यहाँ मैं इसके नेल्स फाइल करने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए मेरे हाथ में इसका नेल ट्रिमर है, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश कर रही थी वैसे ही ये उठ जा रहा था, इसलिए मैं इसको सुलाने की भी कोशिश कर रही हूँ और नेल्स फाइल करने की भी कोशिश कर रही हूँ। रात हो गई है, कुछ 8-8:30 बज रहे हैं एंड मैं पी रही हूँ अपना अजवाइन और सौंफ का पानी। सो आज ना मैं आपके साथ कुछ बहुत ही स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, वो है रूहान के पिछले 3 महीनों की जर्नी इन पिक्चर्स, इन ओल्ड पिक्चर्स दैट वी हैव। बिकॉज यू नो ऑनेस्टली ऐसे अब आज ऐसे लग रहा है कि अरे ये 3 महीने कितनी जल्दी निकल गए। यू नो देखते ही देखते टाइम इज़ जस्ट फ्लोन एंड रूहान में वो माशाल्लाह इतना ऐसे मुझे बड़ा बड़ा सा लग रहा है। स्पेशली आज जब मैं सारी पुरानी पिक्चर्स देख रही थी और मैं शॉर्टलिस्ट कर रही थी कि हाँ ये मैं ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो आइए
शुरुआत करते हैं शुरू से. NICU में तो ऑब्वियसली हम उसकी कोई पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाए थे बिकॉज अलाउड नहीं होता है. सो फर्स्ट फ्यू डेज की पिक्चर्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन द फर्स्ट डे दैट ही केम टू मी इन माय वार्ड, 8th of July, रेहान का बर्थडे था एंड दिन में शोएब शूट पे थे क्योंकि उनको उस दिन ऑफ नहीं मिल पाया था क्योंकि उनको अगले 2 दिन ऑफ चाहिए था तो उस दिन उन्हें शूट पे जाना पड़ा था. सो दिन में मैं उसे अपने वार्ड में शिफ्ट करके लाई थी और ये है वो क्लिप. यू नो इस पॉइंट पे जो मेरे दिल की फीलिंग थी ना कि माय बेबी इज फाइनली विथ मी, वो फीलिंग कुछ और ही थी. एंड सबसे पहले मैंने शोएब को वीडियो कॉल किया था जो कि है ये. एक अलग सा सुकून महसूस कर रहे थे उस दिन ना मैं और शोएब की रूहान आ गया है फाइनली हमारे पास और अब बस 2 दिन 2 रात की बात और है एंड देन इंशाल्लाह हम उसे घर ले जाएंगे बिकॉज डॉक्टर्स ने कहा था कि एक बार बेबी NICU से बाहर शिफ्ट होगा तो हम उसे 24 आवर्स यानी कि 2 रात अपने सामने रखेंगे सो दैट द मदर बिकम्स फेमिलियर विद द बेबी, हाउ टू टेक केयर एंड एवरीथिंग. अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम हैं यहाँ पे. और बस फिर उसके बाद मैं और मेरा बेबी वार्ड में अकेले थे तो मैंने खूब सारा फोटो सेशन किया. शाम हो गई और शाम में आए शोएब और शोएब ने पहली बार रूहान को अपनी हाथों में उठाया था बिकॉज मैं जाया करती थी NICU में और मैं जो है रूहान को KMC देती थी. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ईद के दिन मुझे अपनी सबसे बड़ी ईदी मिली थी कि मैंने पहली बार रूहान को अपने हाथों में लिया था और अपने गले से लगाया था. सो ये वो मोमेंट है जब रूहान को उसके पापा ने पहली बार अपने हाथों में अपनी गोद में लिया था. देख रहे हैं क्यों देख रहे हो? अब रोना मत ज्यादा नहीं रहेगा. अच्छा बच्चे हाँ मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट वॉज की रूहान का NICU से बाहर निकलना हैपेंड ऑन दी 8th of July जो कि रेहान का बर्थडे है. एंड रेहान बहुत समय से बोल रहा था कि भाभी मुझे इस बार का जो बर्थडे केक है वो रूहान के साथ कट करना है, काश आप लोग घर आ जाओ. तो घर तो नहीं जा पाए लेकिन कुछ इस तरह से हुआ कि वो चीज़ जो वो ख्वाहिश है रेहान की वो पॉसिबल हो पाई. एंड इसीलिए शाम में रेहान सबा सनी सब आए थे. सबा और सनी उसी दिन वापस आए थे मौदाहा से और जब उनको पता चला तो उनसे रुका ही नहीं गया और वो लोग आ गए. एंड दैट्स हाउ इवन सबा पहली बार सबा ने जो है रूहान को अपनी हाथों में लिया था. और ये कुछ और पिक्चर्स जो कि मैंने नेक्स्ट डे क्लिक की थी. ये देखिए कैसे सोया हुआ है और टोपी उस वक्त इतनी ढीली थी इसको. एंड दिस वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर्स. एंड देन द 10th of July फाइनली द डे जब डॉक्टर्स ने बोला कि यस डिस्चार्ज यू गुड टू गो होम. ये रूहान स्वेडल करके अपने कैरियर में रेडी और हम सब रेडी घर जाने के लिए.
और फिर घर पे कैसे सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कैसे हमारा वेलकम हुआ ये तो आप सब लोग देख ही चुके हैं। एंड इनिशियली कुछ डेज हम लोग ऊपर रुके थे सबा के घर पे, बिकॉज यहाँ पे जो है काम चल रहा था और पेंट वगैरह की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये एकदम छोटे में क्लिक की हुई कुछ और क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स। और ये इसके रेहान चाचू इसे सुलाते सुलाते खुद भी सो गए। जैसे आप अपने बेबी के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो वैसे वैसे इवन यू ग्रो एज अ मदर एज पेरेंट्स। तो रूहान की एक बहुत फेवरेट चीज़ रही है द वे ही स्लीप्स। ही ऑलवेज ही लव्स टू स्लीप ऑन मी। जैसे जो KMC पोजीशन होती है ना उस तरीके से उसको सोना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि वो मेरे ऊपर इस तरीके से आता है और सो जाता है। सिर्फ मेरे ही नहीं शोएब के ऊपर भी इसे इस तरीके से सोना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड शोएब को भी बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक इट्स द बेस्ट वे यू बॉन्ड विथ योर बेबी। एंड ये पिक्चर है जब हम इसे पहली बार वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे थे। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस बात को लेके कि रूहान इज़ ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम ऑल ओवर ऑल ऑलरेडी एंड ऑल्सो एज अ फैमिली। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है एज अ मदर इस बात की कि रूहान को इतने सारे लोगों का प्यार। कुछ तो मस्ती चल रही है अंदर, चलिए देखते हैं क्या मस्ती चल रही है। प्रिसाइसली जिस बारे में मैं बात कर रही थी कि मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि फैमिली में रूहान के आसपास सब लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स हैं। उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी जो स्पेशली आते हैं कि रूहान के साथ रोज़ वक्त बिताना है, अम्मी पापा मेरे मम्मी पापा सब आते हैं एंड एवरीबडी। सबा जब मौदाहा में होती है तो भी बाकायदा मैं और सबा जो है वीडियोस पे कनेक्टेड रहते हैं बिकॉज वो हर रोज़ पूछती है आज रूहान कैसा लग रहा है, आज रूहान क्या कर रहा है, आज रूहान ने क्या पहना है। रोज़ तो मैं उसे वीडियोस और फोटोज़ भेजती रहती हूँ, पूछती रहती है। यहाँ पे रेहान रिजा सब आते रहते हैं, खाला और आई एम एज अ मदर। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीलिंग है कि आपके बच्चे को इतना सारा प्यार मिल रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब इसके नानू ने इसे अपने हाथों में लिया था और ये अम्मी आई थी ऊपर इसे मिलने के लिए, इसे गोद में लेके खिला रही थी और ये देखो मम्मी। So, ये थी कुछ पिक्चर्स जो पिछले 3 महीनों की कैप्चर की हुई हैं रूहान के एकदम छोटेपन से लेके अब तक की। एंड ये वो पिक्चर्स आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, बहुत मायने रखती हैं। एंड बताइएगा कि ये पिक्चर्स आपको कैसी लगी। एंड अगेन रूहान को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अब तो आप उसे रोज़ाना डेली बेसिस पे देखेंगे, अब तो आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो ये यादें आपके साथ शेयर करना बनता था। सो गाइज ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ बिकॉज अभी रूहान किसी भी वक्त अपनी मस्ती के मूड से बाहर निकल के चिल्ला सकता है और फिर मुझे भागना पड़ेगा। सो आखिर में कुछ शॉर्ट्स मेरे और शोएब के साथ मस्ती टाइम रैंडम फन वो ऐड कर रही हूँ। और हाँ ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लव यू ऑल गाइज। सम क्यूट पिक्चर्स विद पापा सोते हुए। बेबी के सोते हुए उसके साथ फोटोज क्लिक करना बहुत ही अमेजिंग लगता है। नहीं ये देखिए बर्प टाइम, बर्प लेते लेते सो हो गया। लुक एट माई बिग बॉय। ये अभी कुछ दिनों पहले की है वैक्सीनेशन की। ओहो पिकनिक मूड में। ये है राखी के दिन की, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था उस दिन।
जुम्मे के दिन इसके पापा नमाज पढ़ के आए और फिर दोनों का मस्ती टाइम। वंस अगेन ट्राइंग टू मैच हिज एक्सप्रेशन व्हाइल स्लीपिंग। ये देखिए नींद पे पता नहीं क्या सोच रहा है। टबी टाइम। ये देखिए शोएब इसके साथ सो गए थे और कितनी क्यूटली स्माइल कर रहा है। एंड द लास्ट वन, मैं इसके सोते हुए इसे लाड करती हुई।